लोगों को लेट होता है तो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा होता है, कभी कभी लेट होता है तो बोलते हैं अच्छा नहीं होता। Hey guys, what's up? कैसे आप लोग हैं? वेलकम बैक टू द चैनल। कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा, हम लोग गए थे प्रशांत कॉर्नर वहाँ पे मिठाई लेने के लिए और काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल जानने के लिए मिला। और आज आप लोगों ने टाइटल देख लिया रहेगा, हम लोग जा रहे हैं मॉल में शॉपिंग करने के लिए। सो डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड, मैंने लिस्ट ऑलरेडी बना दिया है। अब चीज़ ऐसा है कि यहाँ पे दो मॉल्स है बाजू में, एक है कोरम मॉल और एक है विवियाना। तो आई थिंक सो जो मुझे चीज़ें चाहिए वो सारी विवियाना मॉल के अंदर रहने वाली है। तो हम लोग जाने वाले हैं विवियाना मॉल में और देखते हैं क्या क्या चीज़ें अपने को मिलती है। नहीं मिला तो हम लोग फिर उसके बाद कोरम मॉल में भी जा सकते हैं, बट आई थिंक सो जो जो सब सामान चाहिए वो विवियाना मॉल में आराम से मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बस यहाँ से तैयार होकर निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है कुछ समवेयर अराउंड 12:15। तो अभी मेरी मम्मी और इनको टाइम लगेगा कितना। यस, हम लोग जा रहे हैं ऑटो से और मेरे साथ मेरी मॉम और मेरी बहन दोनों आ रहे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, बट आई थिंक सो कुछ 10-15 मिनट यहाँ से निकलने के लिए लगेगा बिकॉज वी आर गेटिंग लेट, क्योंकि यहीं पे ही, क्योंकि घर के सारे काम करके फिर मम्मी साथ में आने वाली है। तो मम्मी ने बोला मैं भी आती हूँ। और हाँ, आज है जन्माष्टमी, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा हैप्पी जन्माष्टमी एंड चलो निकलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं विवियाना मॉल, बट चीज़ ये है मैंने आपको बोला था 12:15 हो रहे थे और अभी निकलने के टाइम पे 12:30 बज रहे हैं। सोचो कितना ज़्यादा लेट हो गया, बट चलिए कोई नहीं, अभी यहाँ से निकला है तो 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। गाइस हम लोग मॉल में अभी एंटर कर चुके हैं और एक्चुअली ऐसा चीज़ था कि आज मॉल ओपन होने वाला था 1 बजे के आसपास, तो जिसके वजह से अभी बहुत ज़्यादा रश है और हम लोग अभी एस्केलेटर पे है, यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे। अभी भूख लगा है तो पहले देखते हैं कुछ खाना खाते हैं, फिर देखते हैं बाकी डिशेस। लोगों को लेट होता है तो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा होता है, कभी कभी लेट होता है तो बोलते हैं अच्छा नहीं होता। तो आज लेट हुआ वो सही चीज़ था, क्योंकि चीज़ ये है कि मॉल भी लेट ओपन हुआ, अगर हम लोग जल्दी आते तो यहाँ पर सोचो कि बहुत सारा पब्लिक था, बहुत टाइम से आके रुका था और हम लोग यहाँ पे बराबर टाइम पे पहुँचे, जस्ट 15 मिनट बाहर रुकना पड़ा और फिर आज ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। गाइस अभी हम लोग गए थे सबवे में लेने के लिए, बट चीज़ ऐसा है कि अभी सबवे में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी जस्ट ओपन हुआ है तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ओपन होगा। इवन मैकडो भी टाइम ही लग रहा है सब जगह पे, तो थोड़ा टाइम बाद अपना जो ऑर्डर है वो लिया जाएगा और फिर वेट करते हैं, फिर आराम से रिलैक्स करके खाना खाने के बाद फिर थोड़ा घूमते हैं ताकि एनर्जी आएगा तो काफ़ी अच्छा शॉपिंग कर सकते हैं हम लोग। Fresh cut sushi on a platter, brandy honey, it don't matter. Shots till I drop, drop. Gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shot. Whoa, yeah. I'm busy tryna take it higher, got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed. Ocean. तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं लेंस कार्ट में, मेरी मॉम का जो चश्मा लोड़ा लूज़ हो गया है तो उसको टाइट करवाने के लिए। Hey.
गाइस अभी हम लोग रिटर्न आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं कुछ 4:30। मतलब सोचो कि सिर्फ मुझे चार चीज़ लेना था, वो चार चीज़ लेने के लिए ऑलमोस्ट मुझे 3-3.5 घंटे का टाइम लगा। क्योंकि क्या चीज़ था ना कि अपने को जो चीज़ चाहिए वो कुछ स्पेसिफिक होता है और उस स्पेसिफिक चीज़ अपने को ढूंढना पड़ता है। और डेफिनेटली मॉल में जाने के बाद बोलते हैं कि आप ट्राई करो, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, तो उसके हिसाब से अपने को टाइम लग जाता है। अभी भी एक चीज़ बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ 3 ही चीज़ें मिला, जो एक चीज़ एक्स्ट्रा था वो मुझे नहीं मिली। क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बट क्या है ना कि जब आप मॉल में जाते हो तो आप लोगों को बहुत सारी दुकानें घूमनी पड़ती है। विवियाना मॉल डेफिनेटली बहुत बड़ा मॉल है और मतलब अभी मम्मी और मेरी बहन दोनों इतने मतलब बोलते ना कि हैरान हो गए थे कि अरे यार अभी और कितना टाइम लगेगा। बट क्या है ना, देखो हम लोग बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने के टाइम पे अपने को व्लॉग करना रहता है, अपना कैमरा अपने साथ रहता है, लैपटॉप अपने साथ रहता है, तो सब चीज़ें अपने साथ सही तरीके से रहनी चाहिए। उसके लिए एक अच्छा बैग चाहिए, वो पहला चीज़ था। कौन सा बैग लिया मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्या कॉस्ट है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर दूसरा चीज़ ये है कि लाइक ये कैप, तो मैं कितने दिन से आप लोगों को बोल रहा था कि मेरे पास अभी एक ही कैप है, मेरा व्हाइट वाला कैप ख़राब हो गया है और उसके अलावा दूसरा कैप जो मैं बहुत पहले फिलीपींस से लेके आया था वो भी ख़राब हो गया है। तो अभी चीज़ ऐसा था कि अपने पास फिर कुछ ऑप्शन नहीं था, एक नया कैप लेना ही पड़ रहा था, तो वो नया कैप फिर हम लोग ने लिया। उसके बाद हम लोग ने मतलब मेरे मम्मी का चश्मा लूज़ हो गया था तो वहाँ पे गए थे लेंसकार्ट में, वहाँ पे जाके चश्मा बराबर से परफेक्ट फिटिंग करवा लिया। फिर इसके बाद डेफिनेटली अगर आप लोग घर पे रहोगे तो ट्रैक पैंट या ऐसा कोई चीज़ एक्सरसाइज करना है, जो भी चीज़ करना है, तो उसके लिए वो काफ़ी अच्छा होता है, तो वो भी लेना था तो वो भी ले लिया। बट एक चीज़ था जो रह गया और वो था वॉच, मतलब मुझे घड़ी लेना था। मेरा घड़ी बहुत ओल्ड हो गया है, ऑलमोस्ट लग पकड़ लो कि मेरे पास 10 साल से ज़्यादा से है, तो अभी नया घड़ी लेना था। तो नया घड़ी लेने के लिए हम लोग मतलब गए, देखा भी ऑप्शन में, बट मुझे लगा कि अगर मैं वो स्मार्ट वॉच ले रहा हूँ तो उससे बेटर है कि मैं एप्पल का स्मार्ट वॉच ले लूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा डील हो जाता अपने लिए, काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो फिर मैंने वो पेंडिंग रखने दिया। नॉर्मली मुझे ये जो स्मार्ट वॉच है वो पसंद नहीं आता, बट मुझे फॉसिल का स्मार्ट वॉच पसंद आया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं हम लोग एप्पल में भी जाके। मेरे पास फॉसिल का घड़ी पहले से ही है और क्या है ना कि स्मार्ट वॉच मतलब ठीक है एक तरीके से, बट नॉर्मल अगर वॉच आपके पास रहेगा ना तो टाइम दिखाने के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ रहता है। बाकी आजकल लोगों के पास ट्रेंड है स्मार्ट वॉच का, तो लेट्स सी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं एप्पल का वॉच लेने वाला हूँ कि नहीं लेने वाला हूँ, तो अभी मतलब एप्पल का वॉच लिया तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि खर्चा हो जाएगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं डिसाइडेड नहीं हूँ कि एप्पल वॉच लेना है कि नहीं लेना है। तो एप्पल वॉच भी जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि एप्पल वॉच जो है वो कैसा है और फिर उसमें क्या क्या फीचर्स है, क्योंकि अभी वो स्मार्ट वॉच मैंने कनेक्ट किया मेरे फ़ोन से तो उसमें इतने ऑप्शन बहुत ही कम थे, तो मैंने सोचा कि अगर उतना पैसा देने के बाद अगर वो ले रहे हैं तो बेटर चीज़ ये है कि हम लोग एप्पल का वॉच क्यों नहीं ले, क्योंकि वो 100% सिंक्रोनाइज होता है और आप लोगों को काफ़ी अच्छे मतलब फीचर्स दे देगा। तो दैट्स इट, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने मॉल से क्या क्या चीज़ें ली। तो गाइस जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था कि कुछ मिला जुला के 1, 2, 3, 4 ऐसी सब चीज़ें मैंने ली। तो पहला चीज़ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये बैग अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि जब आप अब्रॉड जाते हो या बाहर जाते हो तो चीज़ें ना लोग देखते हैं कि आप क्या पहन रहे हो, क्या लेके चल रहे हो। तो मेरे पास एक्चुअली बैग है ये वाला, तो आप लोगों ने देखा रहेगा बहुत सारे व्लॉग में, स्काई बैग का बैग है। अच्छा है, नो डेफिनेटली बाहर से अच्छा लगता है, बट अंदर से ये बहुत ख़राब हो गया है। लाइक अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो अंदर से स्टिचिंग और ये सब निकल गया है, तो अपने को नया बैग लेना था। और नया बैग जो ऐसा चाहिए कि जिसके अंदर लैपटॉप रहे, उसके अलावा अपना हार्ड डिस्क रहे, उसके अलावा बाकी सब चीज़ रहे। तो मुझे मैंने मतलब बहुत सारे ऑप्शंस देखे, डेफिनेटली मैं गया था वुडलैंड में, मैं गया था नाइकी में, फिर इसके अलावा मतलब जितने भी मतलब ब्रांड्स हैं सब देख लिए। तो मुझे ये सिर्फ कार्लटन का अच्छा लगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है, थोड़ा ब्लैक कलर मुझे इसके ऊपर काफ़ी अच्छा लगा, प्लस इसका स्टिचिंग अच्छा है और इसका वारंटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। लाइक समवेयर अराउंड इसका वारंटी आप लोगों को 3 साल का मिलेगा, एंड उसके अंदर चेन और ये सब चीज़ों का आप लोगों को काफ़ी, प्लस ये चीज़ है कि ये वाटर रेसिस्टेंट है। पहले तो चीज़ ये है कि ये बैग इजीली 3 कंपार्टमेंट वाला है, तो अपने लिए काफ़ी अच्छा। मैं आप लोगों को प्राइस बताता हूँ। तो पहला चीज़ यहाँ पर, जब इसका ये ज़िपर ओपन करेंगे तो ये ज़िपर ओपन करने पर अपने को यहाँ पर लैपटॉप के लिए स्पेसिफिक कंपार्टमेंट मिल जाता है। फिर यहाँ पे आप लोगों को टैबलेट अगर है तो टैबलेट के लिए कंपार्टमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे हार्ड डिस्क के लिए है, आप लोग अपना पासपोर्ट या ऐसा जो भी चीज़ है वो यहाँ पे रख सकते हो, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। दूसरा चीज़ ना कि यहाँ पे अपने को और एक्स्ट्रा एडिशनल कंपार्टमेंट मिल जाता है, तो यहाँ पे मतलब अपना जो पासपोर्ट या ऐसा बड़ा जो चीज़ सामान है वो आराम से रख सकते हो, वॉलेट बिलेट, नीचे आप लोगों का मेमोरी कार्ड या ऐसा जो भी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो, प्लस आपका जो लगेज यहाँ पे आ जाएगा
विच इज़ गुड। एंड फिर लास्ट में आप लोगों को एक फ्रंट कंपार्टमेंट मिलता है, तो ये रहा, तो ये देखो ये रहा, यहाँ पे आप लोग मतलब आराम से पेन रख सकते हो, फिर कुछ अगर एडिशनल चीज़ें रखनी है तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब छोटी मोटी मेमोरी कार्ड या ऐसा जो भी चीज़ है स्टोरेज यहाँ पे रखना है तो आराम से इसके अंदर सब चीज़ें आ जाएगी। ये तो मेरे पास बिल है, बिल के ऊपर अपने को 3 ईयर्स का वारंटी मिलेगा। तो ये अपने को कितने में मिला मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिलहाल इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है इंडिया में, तो ये हम लोगों को मिला समवेयर अराउंड 4600 का, बट विच इज़ रियली गुड, क्वालिटी अच्छा है, तो मुझे कोई भी तरीके का ये नहीं कि चलो भाई लेके प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा चीज़ है ये वाला, तो ये मैंने जॉकी का ट्रैक पैंट लिया है, ट्रैक पैंट आप लोगों को दिखा दूँ, ये रहा। और फिर मैंने जैसे आप लोगों को बोला तो मैंने कैप लिया है, ये नाइकी का कैप है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को अभी व्लॉग में देखने मिलेगा, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अभी एक और कैप लेना था बट अभी देखते हैं, मेरी वाइफ ने शायद से वहाँ पे लेके रखा है, सो हम लोग शायद से वो कैप देखेंगे और फिर शायद से एक और लेंगे, पता नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो ये कैप है और इतना सामान हम लोगों ने लिया, एक घड़ी लेना था वो रह गया। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा, शॉपिंग वाला ब्लॉग पसंद आ रहेगा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग, या आप लोगों को कोई भी चीज़ लेना रहेगा तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आप लोगों को हेल्प करने का अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि बहुत अच्छे फॉरेन व्लॉग आप लोगों को देखने मिलने वाले हैं और आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड बाय बाय।